हिमाचल प्रदेश में जहां बेरोजगार युवा सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे हुए हैं, तो वहीं अब कर्मचारी भी अपनी मांगों को लेकर तो वहीं अब पेंशनर्स भी सड़कों पर उतर आए हैं। हमीरपुर में पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि मंडल अध्यक्ष एसके कौड़ा की अध्यक्षता में उपायुक्त कार्यालय पहुंचा और उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा और सरकार से पेंशनरों की विभिन्न मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की है। और साथ में हमारी ये भी डिमांड रहेगी कि हमारा 12% डीए जो है वो ड्यू है और इस जनवरी 2024 से 4% और ड्यू है, उसको डाल के जो है वो 16% हो जाएगा और 16% जब हो जाएगा तो उससे कर्मचारियों को बहुत बड़ा नुकसान जो है वो प्रतिमास जो है वो हो रहा है। तो उसी माध्यम से उसी को हम ध्यान में रखते हुए हमने ये निर्णय लिया है कि सभी डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे पदाधिकारी हैं वो डिप्टी कमिश्नर महोदय के माध्यम से अपना अपना मेमोरेंडम जो है वो मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री महोदय को देंगे ताकि डिप्टी कमिश्नर जो है वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को वास्तविक स्थिति से अवगत करवाएं। वहीं दूसरी ओर कुल्लू के ढालपुर में भी पेंशनर और सोशल वेलफेयर एसोसिएशन ने सरकार के खिलाफ रोष रैली निकाली और डीसी के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजा है। संगठन के अध्यक्ष सेसराम ठाकुर ने बताया कि इससे पहले भी सरकार के सामने अपनी मांगों को रख चुके हैं, लेकिन अभी तक उन मांगों पर गौर नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि छठे वेतन आयोग के एरियर के साथ साथ लंबित 12% डीए किश्त भी भुगतान नहीं किया जा रहा है। जो हमारा ड्यू है और इसको एक मुश्त चाहिए, सरकार ने 20% हमारे एरियर दिया है रिवाइज पेंशन का और हमारे को जो है आने वाले टाइम में जो भी बजट में प्रोविजन ऐसा किया जाए ताकि हमारा जो एक मुश्त हमारा जो एरियर है वो हमें मिलना चाहिए और डीए का पूरे प्रदेश के पेंशनरों को जो है हर विभाग को स्पेशल मेडिकल का कोई प्रबंध किया जाए जो कि हमारे को मतलब समय समय पर रिवर्समेंटों का बिल आज इस एज में हमने मतलब जो ओल्ड हो चुके हैं 87 के पास पहुंच चुके हैं, कई लोग हमारे भाई जो भगवान को प्यारे हो गए हैं उनका जो एरियर है डीए है वो किसने देखना है, वो तो चले गए इस दुनिया को छोड़ करके। इसलिए हमें एक मुश्त चाहिए एरियर और डीए जो है 12% ड्यू है वो भी बिल्कुल मतलब हमें एक मुश्त चाहिए। वहीं दूसरी ओर ढालपुर में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का एक प्रतिनिधि मंडल डीसी कुल्लू से मिला। वहीं उन्होंने डीसी को कुल्लू आगमन पर बधाई दी और कर्मचारी महासंघ के द्वारा किए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी भी दी। इस मौके पर अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष संजीव भारद्वाज ने आउटर सराज के कर्मचारियों को आ रही समस्याओं के बारे में डीसी को अवगत करवाया। हमने कहा कि अभी जो भी कर्मचारियों के क्वार्टर्स हैं या कुछ डीडीओ पावर्स जो हैं शिफ्ट करनी आउटर सराज के लिए ज़रूरी है क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं खराब मौसम के चलते जो हैं उनके जो कुछ बिल्स वगैरह हैं वो समय पर जो है पास नहीं हो पाते हैं और उसमें विलंब हो जाता है। तो हमने ये कहा है कि हम इस तरह की कोई जो आंतरिक समस्याएँ जो कर्मचारियों की आती है उनको लेकर जो है हम इनको लिखित रूप में देंगे और इन्होंने भी कहा कि आप मुझे लिख के दीजिए जो जो भी आपकी समस्या है ताकि उनको मैं सरकार के समक्ष उठा सकूं। धन्यवाद। आपको बता दें कि अब प्रदेश भर के पेंशनर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। वहीं अब देखना होगा कि क्या सरकार इनकी मांगों की ओर ध्यान देती है या फिर नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए हमीरपुर से सुप्रिया ठाकुर के साथ कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट।